अब है ऑडिबल? ठीक ठीक है सर। है, यस। लेमिनर फ्लो में हर पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, हमने उसको डिराइव किया, फिर हमने कुछ इसके एप्लीकेशन देखे थे, स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बताया था स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, वो बात क्लियर है कि अगर किसी कंटेनर में फ्लूइड फिल किया है और उसमें साइड वॉल में होल किया है तो उससे जिस स्पीड से फ्लूइड बाहर निकलेगा वो हमने निकाला था। एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं, एक कंटेनर है जिसमें किसी फ्लूइड को, आइडियल फ्लूइड को फिल करके रखा है। कंटेनर में जो वो फ्लूइड है उसका कॉलम की हाइट कैपिटल एच है, ठीक है, और कंटेनर में बॉटम में होल किया है, राइट। होल के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, ठीक है। तो आपको बताना है इस कंटेनर को एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। होल किया है तो होल से फ्लूइड बाहर निकलेगा, वाटर जो लिक्विड है उसका लेवल कम होते जाएगा, तो इस कंटेनर को पूरी तरह से खाली होने में कितना टाइम लगेगा, आफ्टर व्हाट टाइम द कंटेनर बिकम्स एम्प्टी, ठीक है। अब एक बात हम समझ सकते हैं कि जो फ्लूइड बाहर आएगा क्या वो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जैसे जैसे फ्लूइड बाहर आएगा वैसे वैसे उसकी हाइट कम होती जाएगी, तो जो स्पीड है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो स्पीड वेरिएबल है इसलिए हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड लेकर फाइनली इंटीग्रेशन की एल प्लेन ही होगी, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं इसको, ये सिचुएशन है टी इक्वल टू जीरो पर, जब होल से फ्लूइड आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। से आफ्टर टी टाइम के बाद जो कंडीशन है वो हम देखें। टी टाइम के बाद जो फ्लूइड है उसकी हाइट होती है स्मॉल एच, ठीक है। अगर हाइट स्मॉल एच है तो यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, अगर होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटेनर के क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो स्पीड वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, हाँ, √2gh। इस स्पीड से फ्लूइड बाहर आ रहा है। अब समझना ये तो टी टाइम की बात है, स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूं मैं dt। इन डी टी टाइम कितना फ्लूइड बाहर आ जाएगा क्या हम ये बता सकते हैं, हाउ मच फ्लूइड कम्स आउट ऑफ दिस कंटेनर। डीवी इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच कम्स आउट इन डी टी टाइम इंटरवल, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, ये स्पीड है फ्लूइड के बाहर आने की, होल के यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, यहां पर कितना वॉल्यूम एक सेकंड में बाहर आएगा, ए इंटू वी, ठीक है। तो दैट इज ए इंटू √2gh। हाँ, वन मोर थिंग, इट इज वॉल्यूम फ्लो रेट, एक सेकंड में जो फ्लूइड बाहर आएगा तो डीटी टाइम में कितना फ्लूइड बाहर आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू टाइम इंटरवल। ये एक सेकंड में फ्लूइड बाहर आएगा तो डीटी टाइम में इतना फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब एक और इक्वेशन बना रहा हूं मैं, डीटी टाइम में इतना फ्लूइड बाहर आएगा तो जो वाटर लेवल है उसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये जो डिफरेंस है ये डी एच का है, पानी के बाहर निकलने के कारण जो हाइट है वो कम हो गई, जितना पानी बाहर निकला है डेफिनेटली उसी के इक्वल अंदर वॉल्यूम कम हो गया होगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हो अंदर वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वॉल्यूम कितना कम हुआ है, That is, कितना होगा,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, जो कंटेनर है उसका बेस एरिया कैपिटल ए है, और उसके हाइट में कितना चेंज आया है, डीएच, ठीक है। तो अंदर जो वॉल्यूम कम हुआ है उसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू डीएच, ठीक है ना। अंदर जो हाइट में चेंज आया है, समझ रहे हो ना इस चीज को, हाँ कैपिटल ए, राइट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कैपिटल ए लिया है, इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं, बोलो। बेस एरिया इंटू जो हाइट में चेंज आया है उतना वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा डीएच हम जानते हैं हाइट कम हो रही है, तो डीएच जो है इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इसलिए मैं इसके साथ माइनस साइन लगा देता हूं, सो दैट माइनस माइनस प्लस बन सके। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना वॉल्यूम अंदर कम हुआ है उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड बाहर गया है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है ए इंटू रूट टू जी एच डी टी इज इक्वल टू माइनस ए डी एच, ठीक है। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस तरफ, माइनस ए बाय ए इंटू रूट टू जी, ठीक है, डी एच बाय रूट एच। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम में कितना फ्लूइड बाहर आएगा उस पूरी इवेंट को अगर हम लें, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल टाइम निकालने के लिए। तो जीरो से टी हर डीटी टाइम में इतना फ्लूइड बाहर आएगा, तो जीरो से टी तक हमने सभी टाइम इंटरवल को ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया। इस तरफ भी इंटीग्रेशन करना होगा, हाइट में किस तरह से चेंज आ रहा है बताओ। तो शुरुआत में हाइट क्या थी उसकी, फ्लूइड की कैपिटल एच, फाइनल हाइट क्या होगी, जीरो। अब इसमें आप इंटीग्रेशन की लिमिट बदल सकते हो, अगर आपसे पूछा है कि कितने समय में वो कंटेनर एम्प्टी होगा तो लिमिट लगाए आपने एच से जीरो। अगर पूछ रहे हैं हाफ कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो हाइट क्या लेंगे अब, एच से एच बाय टू, तो उसी के अकॉर्डिंग लिमिट लगेगी, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो इतना टाइम लगेगा इस कंटेनर को पूरी तरह से खाली होने में, ठीक है। आप समझ सकते हो, अगर जो लिक्विड लिया है हमने, फ्लूइड लिया है, वो आइडियल है, दैट इज नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है, तो उस केस में जो टाइम आ रहा है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उसमें कैसा भी फ्लूइड भरा है, एज लॉन्ग एज इट फॉलोज द एजम्पशन विच वी हैड टेकन इनिशियली, दैट इज फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, द टाइम वुड बी सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि फ्लूइड नीचे आए तो ऊपर से हमें इसको पंक्चर कर देना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मैंने पहले भी वो एग्जाम्पल दिया था कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है, जो बॉटल किसी हाइट पर टंगी होती है, ठीक है, तब जो बॉटल है, पहले तो मैंने बताया था कि उसको किसी हाइट पर क्यों रखते हैं, सो दैट जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो सके, तभी वो फ्लूइड अंदर आएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आप देखना उस चीज़ को कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं, हाँ ऊपर से जो है एक इंजेक्शन की निडल उसमें इंसर्ट कर देते हैं, अभी देखा है आपने, उसको पंक्चर कर देते हैं इंजेक्शन की निडल उसमें से इंसर्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा भरा है ये फ्लूइड, अब जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने के केस में क्या होगा, वहां पे वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बन गया तो ऊपर से प्रेशर नहीं लगेगा, तो प्रेशर और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, ऊपर से उसको पंक्चर कर देंगे जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां पर लगेगा जो कि हेल्प करेगा उस फ्लूइड, ठीक है ना।
अच्छा अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया इसमें मैंने उसको ऊपर से क्लोज करके रखा था, ठीक है, और मान लो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कंटेनर पहले से ओपन है, इस तरफ होल है, तो फ्लूइड नीचे की तरफ गिरेगा। अब मैंने क्या किया, जैसे ही फ्लूइड फ्लो स्टार्ट हुआ वैसे ही मैंने कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया, कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया, ठीक है। क्या फ्लूइड फ्लो करते ही रहेगा या कभी कोई एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जब फ्लूइड फ्लो रुक जाए? आ सकती है, ठीक है, क्यों आएगी सोचो। पहले ये ओपन था, खुला था, तो ऊपर से भी कितना प्रेशर लग रहा था, पी नॉट, इधर भी पी नॉट कैंसल हो रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ मैंने ऊपर से बंद कर दिया, तो बंद करने के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो एयर ट्रैप हो गई, उस ट्रैप्ड एयर का इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, लेकिन जैसे जैसे ये लिक्विड बाहर आएगा वैसे वैसे क्या होगी, इस वाटर कॉलम का हाइट कम होगा, हाइट कम होने से जो ट्रैप्ड एयर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, आइसोथर्मल, क्योंकि जो वॉल्स है हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो कंडक्टिंग है, टेम्परेचर में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम बढ़ने से इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अंदर का प्रेशर कम हुआ तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये फ्लूइड बाहर आना बंद कर दे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, वैसे कंटेनर में फ्लूइड फिल के करके रखा है, ठीक है, इनिशियल हाइट ऑफ फ्लूइड इज कैपिटल एच, टोटल हाइट कंटेनर की है एच बाय टू, थ्री एच बाय टू, एच बाय टू रिमेनिंग हाइट प्लस एच इज हाइट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इनिशियल हाइट। एयर प्रेशर है पी नॉट, इसमें जो फ्लूइड फिल किया है उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ठीक है। बॉटम में हमने एक स्मॉल होल बनाया है जिससे ये फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है, एंड दिस पी नॉट इज इक्वल टू एच रोजी, जो एयर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एच रोजी, ठीक है। एज्यूमिंग द एयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अब हम स्टार्ट करते हैं, होल बनाया तो वैसे ही फ्लूइड बाहर गिरेगा, और वैसे ही हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दी, ठीक है। शुरुआत में ये ओपन था, इनिशियली द कंटेनर वॉज ओपन, एज द होल इज मेड इन द बॉटम ऑफ कंटेनर देन द कंटेनर इज क्लोज्ड, ठीक है, ऊपर से पूरी तरह से पैक कर दिया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ फ्लूइड, व्हाट इज हाइट ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड वुड स्टॉप कमिंग, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड would stop coming from the hole, उस समय fluid की height क्या होगी जब fluid बाहर निकलना बंद कर देगा, ठीक है। ऐसी condition आ सकती क्या, पहले आप सोचना, और अगर आ रही है condition in that case बताना है कि height क्या होगी, ठीक है। अंदर जो trapped air है we will assume that temperature of air remains constant, जो walls हैं वो conducting है, temperature of air would remain constant, that is the condition. और जो एयर प्रेशर है उसकी वैल्यू आपको दी है, that is equal to h rho g, rho is density of fluid, ठीक है ना।